हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं सेमिन आर पैकेज के बारे में। हमने इसमें देखा कि ये एक ही आर का पैकेज हमें अमोस्ट जैसे रिजल्ट भी दे सकता है और स्मार्ट पीएलएस के भी, जिसके अंदर रेगुलर पीएलएस या कंसिस्टेंट के। अगर हमें अमोस्ट जैसे आउटपुट चाहिए तो हम यूज़ करते थे इसके फंक्शंस। एक तो हम यूज़ करते थे एस्टिमेट अंडरस्कोर सीएफए या एस्टिमेट अंडरस्कोर सीबीसीएम, ये दो यूज़ हम करते थे। इसके अंदर ये तो ठीक है कि हम मेजरमेंट मॉडल डाल देते हैं और डाटा डाल देते हैं, मॉडल आ जाता है, मॉडल फिट इंडिकेटर आ जाते हैं, पर इसमें एज सच हमारे पास डायरेक्ट मॉडिफिकेशन इंडिसेस नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ जरूर दिया हुआ है, आइटम एसोसिएशन एक वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट है इसका। और आइटम एसोसिएशन देखें तो ये वही बोलता है कि आपके एरर जो टर्म है उनके कोवेरिएट्स के लिए अगर आपने यूज करना हो तो इसको कर सकते हैं आपका, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। तो अगर हम देखें कि एसोसिएशन होता क्या है, एट थे ये मैंने क्रैन के, मैं इसमें पढ़ रहा हूँ जो क्रैन का है, क्योंकि जो बुक आई है अभी प्रोफेसर सोमेरे एंड अदर्स की, डैंक्स की, वो तो पीएलएस के बारे में है, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अगर हमें एमोस जैसे आउटपुट में कुछ करना हो। तो एसोसिएशन में इन्होंने कहा कि आपको सिंपल ये लिखना होता है आइटम एरर और जो जो आपके आपको रिलेट करने हैं। अब ये कैसे पता लगेगा किसको रिलेट करना है, इसका तरीका हम ये निकालेंगे कि हम वैसे ही देख लेंगे कि हाईएस्ट कोरिलेशन किसका किससे है स्टेटमेंट का। रिमेंबर, जब भी हम कभी एमोस में जाते हैं, एमोस में जैसे यहाँ मैं करता हूँ कि रन करें इसे मॉडल को और आउटपुट में देखें मॉडिफिकेशन इंडिसेस, तो इनका कहना है सबसे ज़्यादा है 11 और 16 का। अभी देखना, देखिए ये तो हम मानते ही नहीं, एक ही कंस्ट्रक्ट के टर्म्स को हम मानते हैं, तो या तो 16 17 है काफ़ी ठीक है, या 11 16। देखते हैं 11 16 कर सकते हैं क्या हम। 11 हमारा है यहाँ पर और 16 है अलग में, बिहेवियर इंटेंशन पे डजेंट मेक सेंस, ये तो नहीं हो पाएगा, और 16 17 ये कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर आया कि बिहेवियर इंटेंशन 1 और 2 के एरर टर्म को आप ऐड कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, कि कहीं ना कहीं इन दोनों के पीछे कोई कॉमन कॉज हो सकता है, इनमें रिलेशन है। इसी को जब आप, अभी मेरा है 406 का स्क्वायर, ये काफ़ी कम हो जाएगा, एटलीस्ट 12 यूनिट कम हो जाएगा जब इन एरर टर्म्स को हम ऐड करेंगे। अब यही चीज़ अगर डायरेक्टली नहीं भी गिवन है मुझे तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो थोड़ा लंबा तरीका है कि इसका स्कोर हमारे पास है, मैं ये रिग्रेशन रन करूँ सब पे बिहेवियर इंटेंशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके और डिपेंडेंट लेके और इंटेंशन इंडिपेंडेंट, और फिर सबके एरर टर्म सेव करूं और हर एक का हर एक से देखें, ये तो बहुत एंडलेस सा हो जाएगा। तो हम कंसेप्चुअली ये समझते हुए कि दो एरर टर्म में तब रिलेशन आएगा जब उनकी स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, दिस वे। तो हम क्या करते हैं, इस पे अपना ही एक तरीका बना के देखते हैं, हालांकि बुक में कहीं गिवन है नहीं, तो देखते हैं एक बारी। मैं आर को यूज़ करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और बिल्कुल शुरू से काम करते हैं। कुछ और चीज़ें भी आप नोट करें, पहले तो आप ये नोट करें कि क्लियर, आपने ये नोट किया यहाँ पे क्या लिखा होता है, ये यहाँ पे ये लिखा होता है कि आपका डिफॉल्ट पाथ क्या है। डिफॉल्ट पाथ है दिस इज जो आर है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे व्यू द करंट डायरेक्टरी ये यहाँ पे आ जाती है। तो हम जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एच या सेट वर्किंग डायरेक्टरी चूज डायरेक्टरी, और मेरा सारा जो सैम इन आर का काम है वो रखा है यहाँ पे इस फोल्डर में। तो जैसे ही मैंने किया, और क्लियर करें, आप यहाँ देखें यूजर नीरज वीडियो माई यूट्यूब वीडियो एक्सेट्रा, ये पाथ पूरा ही यहाँ आ जाता है आपका, दैट इज ऑलवेज गुड। सेकेंडली फाइल खोलें अपनी, मेरी फाइल का नाम है डाटा, अभी तो मैं खोलता हूँ डेमो सी एफ ए, राइट, और इम्पोर्ट डाटा सेट फ्रॉम एस पी एस एस, मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ फाइल सेमिनार डाटा, ऐसा कुछ नाम है डाटा फॉर सेमिनार, लेकिन मैं यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ डाटा, ताकि कम टाइप करना पड़े मुझे, ठीक है, आप नाम का ध्यान रखिएगा। डाटा आ गया है, व्यू भी हो गया है, आइए शुरू करते हैं काम अपना। एक्वायर रिक्वायर, इसके बाद अटैच डाटा, ठीक है, व्यू तो हम कर चुके हैं। मेजरमेंट्स मैं सबको, क्योंकि मैं एमोस जैसा आउटपुट चाहता हूँ, सबको रिफ्लेक्टिव ही करना पड़ेगा हमें। मल्टी आइटम है वो बता दीजिए कितने हैं, और क्विकली क्रिएट तो ये हम यूज़ करते हैं रिलेशनशिप पाथ फ्रॉम टू एक्सेट्रा, रन कर दीजिए। और अगर आपको देखना है ये मॉडल तो
तो आप प्लॉट का ये हटा के एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या हमने ठीक बनाया है या नहीं डायग्राम। तो यही ठीक है, हम इसी पे काम कर रहे हैं। हैश वापस CFA मॉडल, इसके अंदर तो मैंने सिर्फ एक अपना डाटा रखा है और मेजरमेंट्स रखे हैं। मेजरमेंट्स में जिसमें ये आ गए हैं मेरे मेजरमेंट। CFA के अंदर स्ट्रक्चर नहीं होता है, अगर मैं CV सेम करूँ तो उसमें होगा। तो अभी हम CFA में काम करके देखते हैं। CFA मॉडल जनरेट कर दिया है और इसकी समरी देख लेते हैं। समरी बहुत लंबी चौड़ी आएगी, बहुत कुछ आता है। अच्छा, कुछ तो इसका साइज भी मैंने छोटा कर रखा है। खैर, हमें इतना नहीं चाहिए। अगर हम शुरू से देखें, तीन चीज़ है मेनली। फिट इंडिसेस, जो कि हमारे पास मॉडल फिट इंडिकेटर है। सेकंड, मेरे पास लोडिंग है, कौन किस में जा रहा है। थर्ड, मेरे पास सिग्निफिकेंस है, स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट बीटा, वो उनको चेक करता है ये ठीक है या नहीं। ये तीन चीज़ें हैं खास तौर पे। तो इस समरी को मैं ले लेता हूँ P1 में प्रिंट, ये सारा दिखा रहा है। अब P1 का एक एक चीज हम देख सकते हैं। देखिए, आप खुद करके देखिए। P1 डॉलर, P बड़ा लिख दिया हमने, P1 डॉलर, फिर से P बड़ा लिख दिया मैंने, कुछ इशू, P बड़ा ही क्यों आ रहा है, शायद कैप्स लॉक होना है, राइट, डॉलर, ओके। देखिए, जिसके अंदर भी आपका ये वाला सिंबल है ना, ये आपको पहचानना है। इसका मतलब होता है कि आई हैव समथिंग मोर विद मी। तो अगर मैं देखूँ क्वालिटी पे, क्वालिटी डॉलर, इसका कहना है मेरे पास फिट है, फिट के अंदर फिर और मिलेंगे, फिट डॉलर, फिट के अंदर ऑल, ऑल कर सकते हैं। ये हमें देगा मॉडल फिट इंडिकेटर्स, राइट, ये हमें देगा। तो देख लेते हैं एक बार मॉडल फिट इंडिकेटर्स, यहाँ दो बार क्यों लिखा हुआ है, और ये काफ़ी लंबा चौड़ा आएगा इसके अंदर। अच्छा, मैंने ऑल कर दिया है तभी, वरना तो और भी लंबा आता। तो जैसे CFI वैल्यू देखिए, इसमें कहीं दिख रही है आपको, मुझे CFI 789 दिख रही है, ये मुझे इम्प्रूव करना है, यही पर्पज़ है ना मॉडल फिट इंडिकेटर का। ओके, तो इस पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, जिसमें कोरिलेशन आइटम होता है। देखिए, P1 अगर मैं जाता हूँ इसके डिस्क्रिप्टिव में, तो डिस्क्रिप्टिव में फिर ये कोरिलेशन, फिर इसमें आइटम या कंस्ट्रक्ट, आइटम पे चलते हैं हम। तो यही चीज़ मैं यहाँ रन कर रहा हूँ, आइटम्स में हर एक का हर एक से कोरिलेशन आ गया। अब इस चीज़ को अगर हम वैसे देखें, ये जो इसने इतना लंबा चौड़ा करके निकाला है, हम इसको ऐसे भी तो देख सकते थे, कोर और डाटा, इससे भी वही आ जाता, कोर डाटा से, राइट, हर एक का हर एक से कोरिलेशन निकाल दो, बेसिकली यही तो कह रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा आ गया, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ CC में, जो सारा आ गया, और यहाँ पे मैं एज मैट्रिक्स यूज करके इसको छोटा कर रहा हूँ। एक बार इसको आप समझ लीजिए, तो आप कोर करके भी करें चाहे इससे करें, एक बार देखते हैं CC का मीनिंग क्या है। मैंने CC में सेव कर दिया, ये सारा आ गया है, बहुत डिटेल्ड है ये। अब आप देखिए, ये इसमें क्वालिटी वन से रो देखिए, क्वालिटी वन से सिक्स, लॉयल्टी वन से फाइव, सेटिस्फैक्शन, बिहेवियर इंटेंशन 1 to 6, और यही कॉलम है हमारे। अगर मैं इसको मैट्रिक्स मानूं और मैट्रिक्स में कहूं कि पहली छह रो और पहले छह कॉलम दिखाए, तो मेरे पास सिर्फ ये डाटा सेट आ जाएगा ना। फिर मैं कहूं कि 7 से लेके 7, 8, 9, 10, 11 यही रो और यही कॉलम दिखाए, तो देखिए यही मैंने लिख दिया है इसमें। तो मैंने इसमें कहा CC 1 to 6, 1 to 6, यानी मुझे सिर्फ दिखाए पहले छह का, और उसको भी राउंड ऑफ कर दिया 2 में, राइट। अब आप इसमें एक बार ये देखिए, देख के मुझे बताइए, थोड़ा सा एक बार इसको क्लियर कर दूं, किसका किससे कोरिलेशन बहुत ज्यादा है, सिर्फ ये देख के बताइए एक बार चेक करके। मुझे जो दिख रहा है हाई, एक तो क्वालिटी वन का 3 से दिख रहा है, क्वालिटी वन का 2 से दिख रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, अपने अनुसार इनके एरर टर्म को एक बार मिलाते हैं, क्योंकि बहुत हाई हैं, इनमें कुछ ना कुछ चल रहा है। एरर टर्म को कैसे मिलाते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा MI1 एरर टर्म क्वालिटी 1 3, और हम देखेंगे कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। एरर टर्म के अंदर अगर आपको दो एक पेयर लिखना है, तो दोनों के नाम लिखें, और यहाँ पे इन्होंने अपने क्रैन में समझाया है, अगर 2 से ज़्यादा है तो सी दिस विद सी दिस, इसका मतलब हो गया इन दोनों को इन दोनों से, 4 एरो हो गए ये, A1 को B1 से, A1 को B2 से, ऐसे कनेक्ट करें। अगर आपको लिखना है A1 B1, तो यहाँ लिखिए A1 B1, यहाँ लिखिए A2 B2, तो ये 2 हो जाएंगे। इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। अभी मैंने एक पेयर लिया है,
तो अब डाटा वही, मेजरमेंट वही, स्ट्रक्चर इसमें आता नहीं है सीएफए में, और मैंने यहाँ पे लिखा आइटम एसोसिएशन इज इक्वल टू एम आई वन, तो इससे मेरे जो वैल्यूज हैं वो कुछ फर्क पड़ना चाहिए। पी टू में एम वन नॉट फाउंड, ओके, ये एम वन सी एफ ए पी टू, और इसका रिजल्ट देख लेते हैं। सी एफ आई चेक करें, पहले मुझे याद था 789 था सी एफ आई, हम क्योंकि अलग अलग नाम है, पहले यहाँ भी चेक कर सकते हैं। देखिए पी वन का क्विकली चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव रन कर दिया, क्वालिटी चेक करें, सी एफ आई ढूंढिए, 789 था यहाँ पे। हम नीचे सी एफ आई स्केल्ड रोबस्ट ये नहीं देख रहे, जो नॉर्मल सी एफ आई है 789 था, और अब कितना आ गया है इसमें, कुछ तो इम्प्रूव हुआ होगा 789 से। सी एफ आई 789 से 0.004 इम्प्रूव हो गया है, 793 हो गया है। खैर ये तो एक तरीके वाली बात ही, तरीका ऐसे। और अगर आपको मोर देन वन पेयर को करना है, तो मैंने लिखा क्वालिटी वन टू एंड क्वालिटी वन थ्री, इनको रिलेट कर दें, वन को टू से, वन को थ्री से, इनको रिलेट करें, तो इसको मैंने एम टू नाम दिया है, देखते हैं कुछ इंप्रूवमेंट होगा क्या। और इसमें अब सी एफ आई की वैल्यू चेक करें, नॉर्मल वाली सी एफ आई 0.801 हो गई है। ओके, इसका तो अपने पास रेफरेंस भी है और डाटा एनालिसिस ग्रुप पे, कि अगर 801 से ऊपर है सी एफ आई वो कई केसेस में एक्सेप्टेबल है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना है किसका किससे कोरिलेशन है। लाइक मैं आपको एक बार क्विकली अगर यहाँ पे देखूँ तो ये है लॉयल्टी का, चेक करें लॉयल्टी में किसका किससे ज़्यादा आ रहा है। लॉयल्टी में 0.7 से ज़्यादा आप ले सकते हैं इसमें कंफर्टेबली, यहाँ तो कोई नहीं है। सेटिस्फैक्शन में 0.71, टू और थ्री अगर आप करते हैं ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, और लास्ट में बिहेवियर इंटेंशन में 0.7 से ऊपर कोई नहीं दिख रहा है, 0.65 यू में थिंक ऑफ, इनको करके आप देख सकते हैं। क्योंकि इनमें इतना हाई कोरिलेशन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दो में कनेक्टिविटी बनती है। ये मॉडिफिकेशन इंडिसेस नहीं है, लेकिन उस जैसा काम कर सकते हैं हम इसमें। इसका बहुत कहीं स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, बुक तो पीएलएस की है, और जो क्रैन का स्टडी मटेरियल है इसमें भी कुछ खास दिया नहीं है सर ने कि मॉडिफिकेशन इंडिसेस आएगा कैसे। हाँ लेकिन एसोसिएशन दिया हुआ है, मज़ेदार बात यह है एसोसिएशन इन्होंने दिया हुआ है कि एसोसिएट करते हैं, और ये भी लिखा है कि एसोसिएशन सिर्फ सीबी सैम और सीएफए एमओएस वाले जो हैं उन्हीं के अंदर काम करता है, पीएलएस में काम नहीं करता है। ओके सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।